नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा टर्टल्स की हैंडलिंग कैसे करते हैं, यानी आपके घर में एक छोटा सा टर्टल्स है, आप उसकी हैंडलिंग कितनी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टर्टल्स जो है दूसरे जानवरों की तरह में नुकसान तो नहीं पहुँचा सकते, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह बाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन टर्टल्स के केसेस में भी जो है एक स्नैपिंग टर्टल्स होता है, स्नैपिंग टर्टल्स से आप हमेशा सावधान रहेगा, क्योंकि स्नैपिंग टर्टल्स में जो है बाइटिंग की हैबिट्स बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, टर्टल्स में क्या है, टर्टल्स की बॉडी पर जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए टर्टल्स को जब भी आप टच करते हैं तो कोशिश कीजिए अपने हैंड वॉशिंग का, यानी अपने हाथ की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है अगर हमारे किसी भी इनटेक के थ्रू हमारे शरीर में अगर जाता है तो लूज मोशंस या डायरिया या फीवर कॉज कर सकता है। टर्टल्स में हैंडलिंग में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप अपने टर्टल्स को कितना ही चाहे ब्रश से वॉश कर ले तब भी जो है ये साल्मोनेला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उसके शरीर से खत्म नहीं होता, वो ऑटोमेटिक स्प्रेड होता रहता है। इसलिए जब भी आप अपने टर्टल्स को हैंडल करते हैं कोशिश कीजिए हाथ में जो है ग्लव्स पहन के आप उसको हैंडल कीजिए। आपका टर्टल्स जो है दूसरे जानवर की तरह इतना अटैच नहीं हो पाता। टर्टल्स में क्या है, थोड़ा शर्मीले स्वभाव का होता है। टर्टल्स में और ह्यूमंस के बीच में बॉन्डिंग बनने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आप ज़रा धैर्य से काम लें, थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहें। आप उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें कि वो आपसे बॉन्डिंग बहुत जल्दी बना दे, या उसको ज़्यादा इतना प्रेशराइज भी ना करें कि वो आपको तंग होकर के आपको काटना शुरू कर दें। टर्टल्स की जो शेल है देखने में काफ़ी रफ होती है, लेकिन टर्टल्स के हैंड्स में और नेक के अंदर जो है चोट लगने की काफ़ी संभावना होती है ड्यूरिंग हैंडलिंग के दौरान, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप टर्टल्स को हैंडलिंग करते हैं तो उसके पैरों में या उसकी गर्दन में किसी तरह की चोट ना पहुँचे। कभी भी बिना किसी रीजन्स के टर्टल्स को अपने हाथों से ना उठाएं, बहुत ही मजबूरी हो तभी अपने टर्टल्स को अपने ज़मीन पे से हाथ उठाना है, क्योंकि टर्टल्स जितना नेचर के अंदर या अपने इंडोर स्पेस में खुश रहता है हमारी हैंडलिंग से उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है। हैंडलिंग का भी एक तरीका होता है, आपने जो टर्टल ऐसे लिया है, ये टर्टल का जो नीचे है, जो नीचे वाला हिस्सा है बॉटम वाला, इसको प्लास्ट्रम बोलते हैं। जब भी आपने टर्टल्स को लेना है आपने अपनी हथेली के ऊपर उसका जो है ये प्लास्ट्रम वाला हिस्सा पूरी अपनी हथेली के ऊपर रखना है। हथेली के ऊपर रखने से क्या है, वो पूरा अपने बेस पे एक जगह टिक जाएगा, उसके नोज़ को, उसकी गर्दन को, आईज़ को या उसके आगे वाले पैरों को किसी तरह की कोई चोट नहीं पहुंचेगी। तो हैंडलिंग का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपने जब भी लो उसको नीचे से उठा के आराम से अपनी हथेली में बड़े प्यार से रखो और फिर उसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं जो भी आपने करना है। इस तरह हथेली में रखने से टर्टल जो अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करता है और किसी तरह का रिएक्शन नहीं करता, ना ही आपको काटने की कोशिश कर सकता है, और धीरे धीरे जो है बॉन्डिंग्स आपकी काफ़ी डेवलप हो जाती है। टर्टल्स को जब भी आपने उठाना है कभी भी आपने उसको फ्रंट साइड से नहीं उठाना। फ्रंट साइड से जब भी उठाएंगे तो आपका टर्टल जो है आपको घबरा करके आपको काट भी सकता है। उठाने का तरीका ये है, सबसे पीछे से जाके उसको प्यार से उठाना है, इस तरीके से। इस तरीके से जब आप उसको उठाएंगे तो उसके आगे के पैरों के जो नाखून उनसे आप बचे रहेंगे, उसकी गर्दन भी सेफ रहेगी। ये इसको हैंडलिंग का प्रॉपर तरीका है। कभी भी टर्टल्स को उठा के ज़मीन पे से किसी भी ऊंची जगह पे ना रखें। ऊंची जगह से कई बार टर्टल्स के गिरने की संभावना होती है, गिरने से जो है उसके शेल्स टूट सकता है, या शेल्स में टूटने के कारण वहाँ से बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कारण होते हैं। इसलिए टर्टल्स को जब भी उठाएं ज़मीन पे से प्रॉपर ऐसे एक प्लेन सरफेस पर ही रखें। टर्टल्स को कोशिश करें हर हमेशा जो है वार्म जगह पर रखें। वार्म जगह पर रखने से क्या होता है, टर्टल हमेशा एक्टिव बना रहता है। ठंडी जगह पर रखने से क्या है, टर्टल एकदम सुस्त हो जाता है। इसलिए उसको जब भी एग्जामिनेशन करना कोशिश कीजिए उसको पहले वार्म जगह पर रखें, ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो उसको एग्जामिनेशन करने में ईजी हो जाता है, या उसको खाना वगैरह देना ईजी रहता है। टर्टल्स को हमेशा जो है सूर्य की रोशनी में जरूर रखना चाहिए। सूर्य की रोशनी में ना रखने के कारण टर्टल्स में जो है मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ होने की संभावना बहुत अधिक होती है। मेटाबॉलिक डिजीज़ में क्या होता है, उसके जो ऊपर का जो शेल होता है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, उसमें डिफॉर्मिटीज आती है, टेढ़ा मेढ़ा शेल हो जाता है। इसलिए 4 से 5 घंटे डेली जो है सूरज की रोशनी में टर्टल्स को हमेशा रखना चाहिए। टर्टल्स के संकेतों को हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब टर्टल जब गुस्से में होगा तो वो एक पर्टिकुलर अलग प्रकार की आवाज़ निकालेगा, आपको उसका इंडिकेशन समझना चाहिए। या उसको कोई सांस में कोई दिक्कत है तो मुंह खोल के लंबे लंबे सांस लेगा, या उसके कहीं गले में कोई स्वेलिंग है तो आप उसकी स्वेलिंग को ऑब्जर्व कीजिए, या उसको खाना लेने में दिक्कत हो रही है। इस तरह की जो इंडिकेशन होते हैं टर्टल शो करता है, तो इस तरह को आपको क्लीनली ऑब्जर्व करना चाहिए। यदि इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो तुरंत अपने टर्टल्स को वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका चेकअप करवाना चाहिए। जब भी आपने टर्टल को एग्जामिनेशन करना है कोशिश कीजिए एग्जामिनेशन से पहले टर्टल्स को प्लेन वाटर से उसको वॉश कर करके फिर आप उसको ज़मीन पे से उठाइए, या उसके इंडोर एक्टिविटीज़ में से उसके हाउस में से उठाइए। आपने हमेशा ग्लव्स का प्रयोग जरूर करना है।
उसके बाद ही आप उसका चेकअप कर सकते हैं, या जो भी कोई आपने रूटीन चेकअप करना है वो करते वक्त आपने इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपका कछुआ काटने की कोशिश करता है तो मोस्टली ये एक बैड हैबिट्स हो जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि टर्टल्स को जो हमेशा जब भी आपको काटने की कोशिश की एक ट्रीट सा पकड़ेंगे। ट्रीट्स देने से क्या होता है, आप एक बार नहीं लेगा, दो बार नहीं लेगा, तो धीरे धीरे जो है कछुआ जब भी आप उसको ट्रीट्स देंगे बड़ा अच्छा महसूस करेगा। जो उसकी काटने की हैबिट्स है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। यदि आपको टर्टल्स की हैंडलिंग से संबंधित किसी चीज़ के बारे में जानना है या आपको कोई परेशानी आ रही है किस तरह हैंडलिंग करते हो, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।